हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बूफेलो। फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपसे अपना मीशो का फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था और उसमें मैंने बोला था कि कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग मैं पार्ट टू वीडियो में करूंगी। तो चलिए आइए उन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में है, वो आप जरूर देखिएगा। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मीशो का, मैंने क्या सोचा और क्या निकला। आइए बाकी के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है एक डेकोरेटिव आइटम, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ओके, तो ये है मॉक्स, फोर का सेट है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फोर का सेट मंगाया है, 121 रुपीस का मेरे को पड़ा है। वैसे तो मुझे लगा था इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, बट साइज थोड़ा सा छोटा निकला, मेरी उम्मीद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा साइज है, बट कोई नहीं, बहुत क्यूट है। ठीक है, क्यूट से है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगे मुझे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। फ्रेंड्स, ये है एक ड्रोन मॉप होल्डर, एक ये पैकिंग है, उसके बाद ये पैकिंग है, पैकिंग काफी अच्छी करी है। ड्रोन एंड मॉप होल्डर, ये देखिए 1 2 3 4 5 का है ये, और इसमें ये हुक्स भी है। इसमें ये सिंगल पीसेस भी आते हैं, टू के भी आते हैं, लेकिन मैंने ये 5 का सेट मंगाया है। और स्पेशली मैंने इसलिए मंगाया है कि ये मॉप होल्डर भी है और इसमें ये हुक्स भी है। ये देखिए, ये स्क्रू की हेल्प से आपकी लगेगी। फ्रेंड्स, ये मुझे पड़ा है 371 रुपीज में। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है, बट मुझे लगता है ये चल जाएगा, चलने वाला प्रोडक्ट है। बाकी मैं इसको आपको यूज करके बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया और आपको वो खरीदना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है फ्रेंड्स एक फेदर डस्टर, 2 पीसेस में आया है ये। ये देखिए, ये है इसका फेदर, देखने में इसका साइज छोटा है, लेकिन देखिए देखिए, ये देखिए कितनी हाइट तक जा सकता है ये। ये देखिए, और अभी तक बीच में से, ये देखिए इसकी हाइट देखिए, मैं नीचे बैठी हूँ और इसकी हाइट देखिए, छत तक टच कर पा रही हूँ मैं। अब फेदर लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ये मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया है, और ये देखिए देखिए, मैं यहां से बैठे बैठे ही पंखे को साफ कर पा रही हूँ, ये देखिए। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा बेड हुआ हुआ है तो ऊपर से काफी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ये देखिए, आराम से नीचे बैठे बैठे मैंने पूरा पंखा क्लीन कर दिया। मुझे अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिलना पड़ा, ये देखिए, है ना कमाल का प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है हमारे घरों में, जब स्पेशली जब दिवाली आती है तो घर की सफाइयों में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि पंखा कौन साफ करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो कर नहीं सकती अपने घर में पंखा साफ, क्योंकि मुझे लगता है हाइट से डर, और ज्यादातर घरों में यही होता है कि हस्बैंड्स को बोलते हैं या बॉयज को बोलते हैं कि पंखे साफ करो, तो वही बोलते हैं आज नहीं कल, आज नहीं शाम को, आज नहीं कल या परसों, और वो पंखे साफ हो ही नहीं पाते हैं। तो उनका सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है कि ये फेदर डस्टर ले लो और इससे आराम से अपना क्लीन करो। ये देखो, आई थिंक घरों में सबसे ज्यादा लड़ाई इसीलिए होती है कि पंखा साफ करना है। तो मेरे हिसाब से तो इसको लेने से घर की आधी लड़ाई तो खत्म ही हो जाएंगी, नहीं मेरे घर की तो खत्म होने वाली है। आप अपने घर की बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको डिस्प्ले किए हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिंक मैं सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग बूफेलो।